हेलो हाय फ्रेंड्स, सोनम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी पालक की रेसिपी, जो कि इस टाइम पे मैं आई हुई हूँ गांव में, जो कि ताज़ा ताज़ा ये पालक हमने तोड़ के लाई है। और इसकी बनाएंगे आलू पालक की रेसिपी, जो कि बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बन के तैयार होती है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए, खेतों से तोड़ी हुई पालक है, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, ऊपर की डंडी काट लेंगे और इसको हमने रफली चॉप कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और साथ ही हमने ये आलू काट के रख ली हैं, 5 से 6 आलू काटी है हमने। और ये लिया है कढ़ाई में हमने तेल सरसों का। अब इन सभी आलुओं को डाल के हम अच्छे से इसे फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। गैस की फ्लेम को रखना है हमें मीडियम पे, मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें आलू को अच्छे से गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। ये देखिए आलू का कलर चेंज हो चुका है, इसे हम निकालेंगे प्लेट में। ये 80% आलू हमारी पक चुकी हैं और उसी बचे हुए तेल में हम लगा देंगे तड़का। इसमें डाला है हमने जीरा, राई, थोड़ी सी हींग, साथ ही डाल दी मैंने एक लाल मिर्च और एक तेज पत्ता। इनको थोड़ा सा चटकने देंगे, फिर डाल देंगे मैंने इसमें 2 हरी मिर्च ली है और उसको हल्का सा पका के डाल देंगे इसमें हम 2 प्याज मीडियम साइज का, इसको रफली चॉप कर लिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको गोल्डन कलर आने तक हमें पका लेना है। ये देखिए प्याज भी हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, ये हमने डाला हल्दी पाउडर, साथ ही डाला गरम मसाला, थोड़ी सी धनिया और स्वाद के अनुसार नमक। इन सभी को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से पक सके। देखिए 1 मिनट बाद चेक करेंगे, ये हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। और 2 टमाटर लिए हमने रफली चॉप किए हुए, इनको भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से इसे सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है टमाटरों को भी। ये देखिए 2 मिनट बाद देखेंगे, ये हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो पालक ली थी हमने रफली चॉप करके, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। मसालों के साथ मिक्स करके हमें इसे कम से कम 1 मिनट के लिए पका लेना है ताकि थोड़े से ये सॉफ्ट हो सके। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने आलू को फ्राई करके रखा था, इन आलुओं को भी डाल देंगे। डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद फिर से हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, आलू देखिए कितने अच्छे से मसालों के साथ और पालक के साथ अच्छे से कोट हो चुके हैं। ये काफ़ी हद तक अच्छे से पक चुकी है, लेकिन फिर से हमें इसे 1 मिनट के लिए फिर से ढक के पकाऊंगी मैं। ये देखिए 1 मिनट बाद ये अच्छे से पक चुकी थी, इसे प्लेट में करेंगे हम सर्व। आलू हमारी पहले से ही पकी हुई थी इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा पकाने में इसे। ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है देखने में, ये खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इसे पराठों के साथ खाइए, चावल के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे। सफ़र में भी बना के ये रेसिपी लेके जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।